जो हमारा इतिहास है उसमें अकबर द ग्रेट कहीं नहीं लिखा कि महाराणा प्रताप द ग्रेट, पृथ्वीराज चौहान द ग्रेट। पर इतिहास में बच्चों को आगे कैसे पता चलेगा, वो तो अकबर द ग्रेट या औरंगजेब रोड, अकबर रोड। जो इतिहास गलत लिखा गया है उसमें उसको ठीक करना चाहिए और सच्चाई सामने आनी चाहिए। राजपूतों के तो आपके नाम रखे जाते सड़कों पे या कोई स्टेडियम के, अभी उनको बदला जा रहा है, क्या मनसूबे लग रहे हैं जो बदल रहे हैं उनका? ये आप इस किताबों में पढ़े तो बंदे को जोश आ जाता है पढ़ के, जब दिखता है कि उन्होंने इतनी कुर्बानी की, तो क्या लगता है कौन काम कर रहा है इनके पीछे जो इतिहास बदल रहा है? भगवान श्री राम के बाद भगवान कृष्ण ने, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर और सिखों के दसवें गुरु गुरु गोविंद सिंह महाराज ने भी इसी फिलॉसफी को फॉलो किया, वो भी सभी को साथ लेकर चलते थे। हमारे राजपूत कुल में औरतों को हमेशा सम्मान दिया गया है, हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया गया है और ये सब आगे भी ऐसे ही जारी रहेगा। HN1 न्यूज़ चैनल देख रहे दर्शकों का स्वागत है। आज सेक्टर 25 दे विच अखिल भारती छतरी महासभा की एक बड़ी मीटिंग हुई है। मीटिंग दे विच कई अहम फैसले लिए गए ने, तो उसी मीटिंग दे विच की फैसले लिए गए ने गलबात करते हैं इतों के जिहड़े मेन अज मीटिंग दे विच शामिल सी। आपका नाम क्या? महेंद्र सिंह तंवर, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा। तो सर आज मीटिंग हुई है उसमें क्या फैसले ले गए हैं आपकी सभा से? आज की बैठक यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ की अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की बॉडी की बैठक थी। इस बॉडी में जो नव निर्वाचित जो पदाधिकारी हैं, जो हमारे श्रद्धेय पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और चंडीगढ़ के पूर्व अध्यक्ष राणा सुखदेव सिंह जी की जगह जो नई नियुक्तियां हुई हैं, आज उनकी घोषणा की गई और कई प्रस्ताव पास किए गए, जिसमें कि पहला प्रस्ताव ये है कि देश में आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग को लेकर हमने 70,000 किलोमीटर की रथ यात्रा पूरे देश में 2 बार में निकाली है। इस आंदोलन को सतत हम जारी रखेंगे और देश में आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू होना चाहिए और केंद्रीय सरकार ने जो 10% आरक्षण दिया है वो अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की 2 रथयात्राओं का ही परिणाम है, लेकिन ये आंदोलन हमारा लगातार सतत जारी रहेगा। ऐसा होता है कि कहीं ना जातों पातों में भी लड़ाती हैं, ऐसे सरकारों की बात लगा लो, जो इलेक्शनों में जात पात भी होगी, छोटी जात है बड़ी जात है, उसके लिए आपकी सभा कैसे काम करेगी, लोगों कैसे प्रेरित करेगी? क्योंकि बात करें तो धर्म सारे एक है, सारी जातें एक है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर आप बहुत पहले हजारों साल पहले की बात करें तो ये आज जितनी जातें ऐसी जो कोई जातें नहीं हुआ करती थी। तब होता था क्षत्रिय होते थे जो युद्ध करते थे, या ब्राह्मण्स होते थे या वैश्य होते थे, इसके अलावा कोई जात नहीं है। तो अब जातें इतनी बन गई हैं और पर हमारी जितनी अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा है या हमारे यहाँ की संस्था, हमारी ऑल इंडिया राजपूत स्टूडेंट एड सोसाइटी और भी जितनी भी संस्थाएँ हैं, हम सबको साथ लेकर चलते हैं। जैसे ये हॉस्टल है, ये भी सभी जातियों के लिए उपलब्ध है, सभी जातियों के बच्चे रहते हैं, हम सभी जातियों के बच्चों को स्कॉलरशिप्स भी देते हैं गरीब बच्चों को, तो कोई भेदभाव नहीं किया जाता। बिल्कुल। तो और भी बात कर लेते हैं, यूथ विंग के जो लगाए हुए हैं, उनके विंग के लगाए हैं प्रधान चंडीगढ़ से, तो आप जैसे महिलाओं पर कई बार अत्याचार होते हैं उनके लिए भी आपकी संस्था काम करेगी? हमारी संस्था राजपूतों के उसके लिए है, पर हम किसी जात पात में वो विश्वास नहीं रखते हैं, कोई फ़र्क नहीं करते हैं, हम सिर्फ अपनी जाति को, हम अपने राजपूत उसको लेकर, समाज को लेकर वो कर रहे हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो आजकल हमारी हिस्ट्री जितनी भी है हम उसमें गलत पढ़ाया जा रहा है आजकल के युवा विंग को, क्योंकि हम पढ़ते हैं तो हमें वो चीज़ पता है, इतिहास बदल दिया गया है हमारा बिल्कुल, तो हम उसके लिए कोशिश करते हैं स्कूल्स में। जैसे यहाँ लाइब्रेरी है, यहाँ महाराणा प्रताप की बुक्स हैं, राजपूत समाज को लेकर बुक्स हैं, तो ऐसे ही हम। और जहाँ तक रही बात औरतों की, हमारे राजपूत कुल में औरतों को हमेशा सम्मान दिया गया है, हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया गया है और ये सब आगे भी ऐसे ही जारी रहेगा।
तो आप अरविंद जी, आपको भी प्रधान लगाया यहाँ पे, आगे संस्था आगे आके जैसे आपके ऊपर अभी बहुत बड़ी जिम्मेवारी आ गई है, तो कैसे काम करोगे फिर आगे, कोई मुश्किलें तो नहीं होंगी आपको? नहीं नहीं नहीं, हमारी सभा ने पहले भी 30 साल से चंडीगढ़ में बहुत अच्छा काम कर दिया। हमने जोधा अकबर के यहाँ पे किया, हमने अब 20-25 हज़ार आदमियों का हमने यहाँ प्रोग्राम किया, और भी हमने शताब्दी समारोह मनाया यहाँ पे, कई हजार आदमी उसमें इकट्ठे हुए। और हमारी सभा 30 साल से राणा सुखदेव सिंह जी बहुत अच्छा काम कर रहे थे जी, मैंने उनके साथ 10 साल से मैं भी काम कर रहा था। आज ये जिम्मेदारी दी है जी, मैं अच्छे से निभाऊंगा जी। तो छत्रपति महाराणा प्रताप की बात करते हैं, उनका इतिहास बहुत बड़ा है, तो जिम्मेवारी भी बहुत बड़ी बढ़ जाती है, क्योंकि कई लोग पिछड़ हो गए हैं, जैसे आपके राजपूत में लगाए तो आपके हरियाणा में लगा लो तो लोग पीछे हैं, तो उनको भी साथ बराबर लेके चलेगी आपकी संस्था की सभा? ये जो अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा है, जो इनके प्रेरणा स्रोत है भगवान श्री राम से, अगर हम इतिहास देखें सभी क्षत्रियों का, तो भगवान राम ने जो हम क्षत्रियों को मर्यादा दी थी और सभी समाज को साथ लेने की, साथ लेकर चलने की जो शिक्षा दी थी, वो आज भी क्षत्रिय समाज वैसे ही निर्वाह कर रहा है। आप किसी गांव में देख लो, किसी शहर में देख लो, जहाँ एक क्षत्रिय का घर होगा वहाँ उसके पास जितने भी अन्य घर होंगे वो पूरा सुरक्षित महसूस करेंगे। ये जो परम्परा है हमें संस्कारों में मिली है, इतिहास में मिली है। भगवान श्री राम के बाद भगवान कृष्ण ने, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर और सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह महाराज ने भी इसी फिलॉसफी को फॉलो किया, वो भी सभी को साथ लेकर चलते थे। तो और मैं आपके माध्यम से एक और मांग करना चाहता हूँ सरकार से, कि हमारे जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर साहब है, पिछले महीने इन पर कुरुक्षेत्र कोर्ट कम्प्लेक्स में हमला हो गया था, उस हमले की उच्च स्तरीय जाँच की जाए, CBI जांच की जाए और इनको सुरक्षा प्रदान की जाए। ये पंजाब सभा और हरियाणा साख से क्षत्रिय महासभा के हरियाणा और पंजाब क्षत्रिय महासभा की ओर से पुरजोर मांग है। बिल्कुल, तो एक ना एक बात और भी सामने आती है कि लिटरेचर बदला जा रहा है स्कूलों कॉलेजों में, जैसे योद्धे हुए हैं इन्होंने इतिहास बना के रखा हुआ, आगे बदला जा रहा है, कैसे देखते हो उन पर, कैसे कार्रवाई रहेगी आपकी सभा की फिर? बिल्कुल आपने सही फरमाया, जैसे मैं अभी बता भी रहा था कि जो हमारा इतिहास है उसमें अकबर द ग्रेट, बिल्कुल कहीं नहीं लिखा कि महाराणा प्रताप द ग्रेट, पृथ्वीराज चौहान द ग्रेट, और जितने जैसे बताया हमारे भाई ने कि रामचंद्र जी पर भगवान से लेके कृष्ण भगवान जी, और इवन जो सिख धर्म जिन्होंने स्थापित किया गुरु गोविंद सिंह, सब इवन बुद्ध धर्म महात्मा बुद्ध सब क्षत्रिय थे। बिल्कुल, पर इतिहास में बच्चों को आगे कैसे पता चलेगा? वो तो अकबर द ग्रेट या औरंगजेब रोड, अकबर रोड। तो मेरी ये डिमांड है हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार से कि जो इतिहास गलत लिखा गया है उसमें उसको ठीक करना चाहिए और सच्चाई सामने आनी चाहिए, सच्ची जो सच्चा इतिहास है, ताकि अगली जनरेशन को पूरा पता चले कि किस किस कितना योगदान रहा है हमारे महापुरुषों का। राजपूतों के तो आपके नाम रखे जाते सड़कों पे या कोई स्टेडियम के, अभी उनको बदला जा रहा है, क्या मनसूबे लग रहे हैं जो बदल रहे हैं उनका? नहीं, जैसे मैं कहता हूँ कि जिस तरह पिछली गवर्नमेंट जब वाजपेयी जी थे तो दिल्ली जिस तरह बस स्टैंड का नाम महाराणा प्रताप बस अड्डा रखा गया, पर आप बड़े दुखदायक बात है कि पूरे हिंदुस्तान में एक भी एयरपोर्ट का नाम किसी महापुरुष मतलब के नाम नहीं है, वो आपको आप देख के आप सबके सामने ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। तो अभी जैसे मोहाली एयरपोर्ट का भी डिमांड चल रही है कि शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा जाए, तो ये आपके चैनल के माध्यम से हम ये डिमांड करते हैं सरकार से कि ये सब ठीक जो गलत हुआ है उसको ठीक किया जाए। बिल्कुल, तो सर एक बात आपसे लास्ट पूछनी थी, लिटरेचर को जो बदलने की कोशिश कर रही हैं इनके पीछे कौन एजेंसियाँ काम कर रही हैं? क्योंकि अगर बात करते हैं तो इन्होंने वो इतिहास बनाया जो आप इस किताबों में पढ़े तो बंदे को जोश आ जाता है पढ़ के जब दिखता है कि उन्होंने इतनी कुर्बानी की है, तो क्या लगता है कौन काम कर रहा है इनके पीछे जो इतिहास बदल रहा है फिर? बिल्कुल, देखिए ये तो जांच का विषय है, अभी किसी का नाम लेना इस मौके पर मुनासिब नहीं होगा, लेकिन मैं मानता हूँ कि जो हमारा प्राचीन इतिहास है हमें उस इतिहास को मद्देनज़र रख के ही हमें उसको फॉलो करना चाहिए। जो हमारे जितने गुरु हैं जिनका बलिदान है, हमारे महाराणा प्रताप जी हुए हैं, शिवाजी हुए हैं, गुरु गोविंद सिंह जी हुए हैं, अनेक हमारे महान नायक हुए हैं, उन सब का जो इतिहास जो है उसमें कोई तब्दीली नहीं होनी चाहिए। एक बात मैं और भी मांग करता हूँ जो मैंने कहने से रह गया कि अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, ये जो किसान आंदोलन जो दिल्ली में चल रहा है उसके लिए हमारी पुरजोर मांग है
कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है इसको लेकर कानून पास होना चाहिए। देश में किसान की हालत बहुत बहुत बदतर है और जब तक उसको उसकी उपज के सही दाम नहीं मिलेंगे, 65% आबादी जो है ना देश की किसान है, मजदूर हैं, तो उनको उनके भलाई को मद्देनज़र रखते हुए जो किसान की उपज है उसके दाम जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस उसकी निश्चित की जानी चाहिए और हम उनकी इस मांग का पुरजोर समर्थन करते हैं। बिल्कुल, आप देख सकते हो कि जैसे इन्होंने बता दिया कि हम सभी जात बरादरियों को एक करके चलेंगे, क्योंकि इनकी महासभा का मेन मकसद यही है, जो लोग हमारे समाज में पीछे रह चुके हैं उनको साथ में लेके चलना और अच्छे अच्छे काम जो लोगों के हितों में हैं वो करने हैं। और किसानों की सीधे तौर पे इनकी महासभा ने समर्थन कर दिया थी, किसानों के समर्थन हम करते हैं। आपके साथ कैमरामैन दीप के साथ हरतेज सिंह तेजी, एच एन न्यूज़ चंडीगढ़।